तो दोस्तों, यूटीआई से पैन कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सीएससी आईडी को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपनी सीएससी आईडी को ओपन करेंगे, आपको सबसे ऊपर जो सर्च बार दिख रहा है उसमें आपको पैन लिख देना है। जैसे ही आप पैन लिखेंगे तो यहाँ पर पैन कार्ड सर्विस का जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा यूटीआई का। हमें क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूटीआई का जो पोर्टल है वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा सीएससी के माध्यम से। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अप्लाई न्यू पैन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A पर क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों 49A पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ फिजिकल एप्लीकेशन के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इनको चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ओके क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्ट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड का मोड, आप कैसा पैन कार्ड चाहते हैं, आप अपने ईमेल पर चाहते हैं या आप जो है फिजिकली अपने घर पर चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहला वाला सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको दोनों प्रकार के पैन कार्ड मिलेंगे। एक आपके घर पर प्रिंट होकर आएगा और दूसरा आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन में दोस्तों आपको सिर्फ मेल पर ही पैन कार्ड मिल पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें पहला वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो पैन फॉर्म भरने का जो स्टेप है वो 6 प्रोसेस हैं। इसके 6 स्टेप में ये पैन कार्ड का जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल कस्टमर की, जिसका आप पैन कार्ड बना रहे हैं, फिल कर देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट नेम टाइटल पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको श्री कुमारी और श्रीमती में से कोई सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे श्री सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले लास्ट नेम भरना है, जो कि कस्टमर का कोई लास्ट नेम हो। तो यहाँ पर मैं लास्ट नेम फिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, सेकेंड ऑप्शन में फर्स्ट नेम फिल करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपका अगर कोई दूसरा नेम है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसे नो रहने देंगे। फिर दोस्तों, यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। जैसे ही आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपसे एड्रेस पूछेगा, कम्युनिकेशन ऑफ फॉर एड्रेस। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको रेजिडेंस सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर देना है। ऑफिस स्टेट का भी नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप उसका भी सिलेक्ट कर लेंगे स्टेट का नाम। उसके बाद दोस्तों, आपको जो आधार नंबर है उसे बहुत ही केयरफुल्ली यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करेंगे, आप कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें आपको दोबारा से आधार नंबर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जब आप आधार नंबर अपना मैच करके फिल कर देंगे, आपको यहाँ ओके क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम लिखना है, नेम जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हो सेम वैसा ही नेम यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो है अपना आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड ही सिलेक्ट करें। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके आधार कार्ड पर कहीं दूसरे जगह का नाम पड़ा हुआ है और आप अपना आधार कार्ड जो पैन कार्ड है वो किसी दूसरे जगह पर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस प्रूफ जो है चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे तो आप इसे आधार कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कहीं दूसरे जगह का एड्रेस का डिटेल हो तो वो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल है, इसलिए मैं यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरा जो आधार का एड्रेस है वो मेरे गांव का पड़ा हुआ है, इसलिए मैं अपना पैन कार्ड अपने प्रेजेंट टाइम जो एड्रेस है वहाँ पर पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो तीनों में आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों, आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, मेक पेमेंट पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो आपका सीएससी वॉलेट है उसमें 100 रुपीज़ तो होनी चाहिए, प्लस मतलब आपका जो मैक्सिमम 200 से ज़्यादा रुपए होने चाहिए तभी आप इसके लिए करें, नहीं तो आपका ये पूरा फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना सीएससी आईडी फिल कर देना है, सीएससी आईडी का पासवर्ड।
उसके बाद दोस्तों वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपना वॉलेट पिन डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आपको जो है अपना सबसे पहले चेक आधार पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप जब क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो अभी तक किसी भी पैन से लिंक नहीं है। उसके बाद आपको ओके करना है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह फिल करना है। आपको सेलेक्ट आईएसडी कोड में अपने इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। एरिया एसटीडी कोड अगर आपको पता है तो आप इसे सिलेक्ट करें, अन्यथा इसे ऐसे ही छोड़ दें। टेलीफोन नंबर में आपको दोस्तों कस्टमर का नंबर ही फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके कस्टमर के पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपनी पर्सनल या बिजनेस की जो आपकी ईमेल आईडी हो उसे यहाँ पर फिल जरूर करें, जिससे कि जो आपका पैन कार्ड है वो जल्द से जल्द आपको ईमेल के थ्रू मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कस्टमर का ईमेल आईडी फिल कर रहा हूँ। ईमेल और टेलीफोन नंबर फिल करने के बाद दोस्तों आपको पेरेंट डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे यस और नो में से यस को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे फादर का नेम और साथ में मदर का नेम दोनों देने होंगे। अगर यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ अपने पिता का नाम देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नो सिलेक्ट करता हूँ और अपने फादर का नेम दे देता हूँ, जो कि कस्टमर के फादर का नेम होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फादर का जो नेम है उसका लास्ट नेम सबसे पहले फिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मदर नेम में कोई भी नाम नहीं फिल करना है, आपको फादर नेम सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने एड्रेस की डिटेल ओपन हो जाएंगी। आपको यहाँ पे सिंपली अपने एड्रेस का जो ब्लॉक नंबर या मकान नंबर है उसे फिल कर देना है, जिस भी एड्रेस पर आप अपना पैन कार्ड पाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना जो डीएल का एड्रेस है वो फिल करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना जो एड्रेस है वो फिल कर लिया है। आपको भी अपने एड्रेस के अनुसार यहाँ पे सारी डिटेल फिल करनी है। आपको ऑफिस एड्रेस भी फिल करना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ इनकम का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे आपको नो इनकम पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो अदर डिटेल होती हैं वो ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं। आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको एक बार अपना जो है पूरा नेम का डिटेल देना होगा और अपना एड्रेस का भी डिटेल आपको यहाँ पे दोबारा से फिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना होगा और दोबारा से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, अपना पिन कोड फिर से डालना होगा। ये सारी डिटेल आपको दोस्तों बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक और सही सही फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो है सिलेक्ट कैपेसिटी पे क्लिक करके आपको हिमसेल्फ हर सेल्फ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेरिफिकेशन प्लेस में आपको अपने स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का नेम फिल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं जिनको मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप अपलोड करूँगा। यहाँ पे हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा आपकी डिटेल, और आपको इसको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म है इसको भी डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों ये फॉर्म जब डाउनलोड हो जाए तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म का इंटरफेस शो होगा जिसमें आपकी सारी डिटेल पहले से ही फिल होंगी। आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी फ़ोटो को चिपका कर उस पर साइन करना है, जिसका मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आपको स्कैन करना है डॉक्यूमेंट को और कैसे आपको सिग्नेचर करने हैं, जिससे कि आपका जो पैन कार्ड का फॉर्म है वो कभी भी रिजेक्ट ना हो।